लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपनी क्लास बनाने को कल्लू फिर से चले अंग्रेजी सीखने 25वीं बार। तो ठीक है, आपको हम 30 दिन में इंग्लिश कैसे बोलते हैं वो भी सिखा देंगे और आपकी ग्रूमिंग भी हो जाएगी। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमारे गुरुजी तो इटावा के साइड रहते हैं। अरे नहीं नहीं, गुरुजी नहीं, ग्रूमिंग मतलब है कि आप बड़े लोगों में कैसे उठते बैठते हैं, कैसे बोलचाल है, वो होता है ग्रूमिंग, तो वो भी सीख जाएंगे आप। अरे मैडम जी, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बोलो, नहीं हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे बाद ना हमारी मिसेज चंदो को भी कुछ सिखा दो आप। दिन भर शहर में घूमती हैगी, कुछ काम है कर, लेकिन ध्यान रहे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम आपसे सीख रहे हैं। जी बिल्कुल, किसी को पता नहीं चलेगा, पर आपकी जो मिसेज है वो आप ही के साथ सीखेगी। नहीं 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 नहीं, वो अलग और मैं अलग, तो मैं प्राइवेट सीखूंगा। तो पहले हम अल्फाबेट से शुरू करते हैं, ठीक है? ए फॉर एटा। और एक सेकंड। हेलो, हाँ अच्छा, तेजी से आ गई। हाँ अच्छा, मैं आ रही हूँ। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, हमारी मिसेज, माई मिसेज, यस देवी आ गई। कम देवी, आप चलो हमारे साथ, खुद ही देख ले। आओ चलो फटाफट चलो आप। मैडम जी, वो मेरी मिसेज है, उसकी बॉडी पे देवी आ गई है। माता दी शरत है जी, माता की शरत है। चंदो को इंग्लिश बिंग्लिश नहीं सिखाना है, नहीं सिखाना है माता। क्या भाई, गल्ला कैसा उठा आजकल? जी बस ये सेठ जी, 250-350 के आसपास होंगे सब मिला के। 250-300? हाँ। अबे आगरा, मथुरा, ऋषिकेश, देहरादून सब गाड़ियां तो निकल गई है। डालीगंज से महानगर तक के बस अड्डे पे तो बड़ा अच्छा कलेक्शन हुआ है। तेरे यहाँ की पब्लिक को कब्ज हो गया क्या? हगने वालों की तो लाइन लगी हुई है सुबह से, मगर 3 संडास पुलिस वाले घेरे बैठे हैं और 2 बस स्टैंड के लोग। आप ऊपर अधिकारियों से बात करो ना, ये फ्री में हगने की नहीं चल रही यहाँ पे। सुन बे, हाँ जितनी तेरी उम्र है ना उतने साल हो गए मुझे इस धंधे में। जी समझ रही है तू? 150-160 चल लिए हैंगे मेरे, कि इसके धंधे मेरा फ्री मत करियो, बस समझ ले। तलाशी लूं तेरी क्या? नहीं नहीं भैया, भैया वो बात ये है कि लड़की समझ में आ गई है, इसका चक्कर है। चल देता हूँ तुझे कुछ, मैं ये ले रख ले। ओके ठीक है भैया, यू कीप द चेंज। अच्छे घर के रिश्ते टूटने के बाद चमन फिर से दुर्लभ में लीड हो जाते, लेकिन छन्नू खां के मोहब्बतों के इतर ने काम कर दिखाया। भैया शैली को देखकर चमन का दिल धड़का फॉर द फर्स्ट टाइम। इश्क चाशनी की तरह गाढ़ा हो गया। चली, चली। बोलो। मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या कहना चाह रहे थे? बोलो। मैं ये कहना चाह रहा था कि वो बोलो ना, तुम इस क्लब में रोज आती हो। शैली की दादी कहती है सैली, जब किसी औरत को बड़ी उम्र तक मर्द का टच ना मिले तो उसे टच सिंड्रोम की बीमारी हो जाती है। चलो शैली तो टच सिंड्रोम से बच गई, लेकिन खतरा यह है कि शैली का पापा राजेंद्र अरोड़ा कबाड़ियों का जानी दुश्मन है। मैंने कहा था ना कि इस घर में कबाड़ी वाला और कचरे वाला नहीं आएगा, मुझे नफरत है उनसे। ये कैसे आ गया? गोली मार दूंगा ऐसे तो मैं। बाल ब्रह्मचर्य नहीं तो युवा ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है, जीवन ऊर्जा का पुंज है।
और स्त्री पूरी की पूरी ऊर्जा खींच लेती है। ये बीवी के अलावा आपने देखा होगा, बस यही देखते हैं। टिल्लू पंप, स्त्री बड़ी मोटर है तो स्त्री से जितना दूर रहे उतना अच्छा। एनर्जी बचाइए और स्त्री से हमेशा 2 फुट दूर रहिए। इसलिए स्वामी जी जो भी कहते हैं आपने अंदर बोल क्या का पालन कीजिए क्या, और इस जगत में खुशहाली लाइए। मशीन फिर दौरा पड़ेगा बीमारी से बचा। मैसी पुत्र, मैसी पुत्र, उठ उठ उठ, तेरे डॉक्टर को ले जाना है। उठ, ओ खिली तबीयत कट पाएगी। मैं ना कहती सी ना ब्याह करा दो, पर तुसी लोग मेरी गाली नहीं सुनते हो। अरे इन्नी उम्र हो गई, मैं कहती हूँ किसी भी जात का होए, किसी भी उम्र का होए, इदा ब्याह करा दो। अरे एनु टच सिंड्रोम होया हैगा। ओए बीजी, एनु कोई टच सिंड्रोम नहीं होया है, एनु टकारा था तौरा पड़िया है। मेरा नाम है परमिंदर, प्यार से लोग मुझे पम्मी कहते हैं। राजी क्या? कुछ नहीं जी, कुछ तो कुछ नहीं तो सी पम्मी हियर की गल है वो एवी ना हमें क्या मैं की कह रही हूँ तुसी किसी डॉक्टर नू क्यों नहीं दिखा लेंदे हो? क्यों? क्यों है मैनू? गल है, तुसी मैनू इतने साल थे छोया ही नहीं है ना। ओए पम्मी, ठंड कर, तेनू शर्म नहीं आती है कि बुढ़ापे बिच जवानी की आग लगी है? जा ठंडे पानी बिच ना ले, खाली पीली एनर्जी वेस्ट ना कर। एनर्जी बचा के तुसी पार्लियामेंट की बत्तियां जला दीती है या बिन बिजली की ट्रेन जला दीती है? ओए मम्मी बस, मिठी हमारी दोस्ती को लेकर कितना टाइम हो गया, लेकिन तुमने आज तक अपने पेरेंट्स से मिलवाई नहीं। जल्दी मिलवाऊंगी चाहे। प्लीज मिठी, आई एम सीरियस, मेरे मॉम डैड सही में मिलना चाहते तुम्हारे पेरेंट्स से। आई नो, जस्ट ट्रस्ट मी चैंग। और अब हम कुछ और बात करें प्लीज। ओके, चलो कोई स्वीट सा रोमांटिक गाना गा दो। When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. भुरिया जी, कल लौंडा बता रहा था इन कचरा पिट्टी बिनने वालों के तो दिन फिर गए। इनकी तनख्वाह सरकार ने 20,000 कितने 20,000 से शुरू की है और खत्म हुए है 50,000 पे जाके। कचरे की नौकरी वास्ते नीचा बनने को बड़ी बड़ी जात वाले तैयार हैंगे, और एक अपने कल्लू जीजा जी हैंगे। कल्लू ना का के जीजा जी, जे छुपाओ वो छुपाओ, किसी को मत बताओ कि हम क्या हैंगे,